जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास में आपका, और इतिहास में हम आपका पाषाण काल को पढ़ रहे थे। पाषाण काल में हमने जाना था वो आपका पूर्व पाषाण काल को, फिर मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज को, फिर न्यू स्टोन एज यानी कि नवपाषाण काल को। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करूंगा आप लोगों की कल कक्षा नहीं हुई थी क्योंकि कल मेरी मैराथन क्लास थी, और एक क्लास आपकी 9 तारीख को नहीं होगी क्योंकि उस दिन भी एक मैराथन क्लास है जो कि सुबह 9 से है। वो हिस्ट्री की ही मैराथन क्लास है, यूट्यूब पर होगी 9 बजे से लेकर के आपका मतलब 3-4 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ऐसे टाइम पर जब आपकी कक्षा नहीं होती है तो आप अपना या तो रिवीजन करते हैं या आपको जो एडवांस नोट्स मिले हुए हैं उनसे आप अच्छे से नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे मित्र आज अपनी क्लास को आगे, तो आगे शुरू करते हैं। नवपाषाण काल में हम लोग बात कर ही चुके थे आपका, मैंने बताया था कृषि आदमी ने शुरू की, जौ की खेती सबसे पहले की, पूजा यहाँ पर शुरू की हमने पूजा, ठीक है, पहिए का आविष्कार, इस काल में छोटे पत्थर जिनको माइक्रोलिथ कहते हैं, ये बातें हम कर चुके थे। अब आते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का मतलब ताम्र बोलते हैं किसको हम लोग, तांबे, और इसी को हम बोलते हैं चालकोलिथिक पीरियड, चालकोलिथिक एज। यानी यह वह समय है जब तांबे का प्रयोग हद से ज्यादा होने लगा, यानी इन लोगों को ज्ञान हो गया कि कॉपर को कैसे पिघलाना है और कॉपर को कैसे उसे मेटल को प्रयोग करते हुए बर्तन आदि औजार आदि बनाने हैं। तो मनुष्य द्वारा बहुत पूछा जाता है, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी है, तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो आप कहेंगे तांबा का, ठीक है। तांबे के बाद में मनुष्य ने किसका प्रयोग किया था, तांबे के बाद में मनुष्य ने कांसा का प्रयोग किया, किसका, कांसा। कांसा आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एक अलॉय है, एक मिश्र धातु है। कांसा क्या है, अलॉय है, यानी कि एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु का क्या मतलब होता है भैया, मिश्र धातु का मतलब होता है ऐसी धातु जो एक से अधिक धातुओं से मिलकर बनी हो। जैसे कॉपर किससे मिलकर बनता है, किसी से नहीं, सिर्फ कॉपर है, तो ये क्या बोलेंगे, ये धातु है। तो मानव ने सबसे पहले धातु का प्रयोग किया, फिर मिश्र धातु का, और उसके बाद में फिर लोहा का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, फिर लोहा का प्रयोग किया, ठीक है। सर एडवांस नोट्स कहाँ मिलेगा, दोस्त पहली क्लास में बताया हुआ है सब कुछ, हर रोज आप नहीं पूछ सकते हैं, पहली ही क्लास के बाद साथ में पीडीएफ अटैच है अगली 5-6 क्लासेस की, आप वहाँ देख सकते हैं। पहली क्लास जो फर्स्ट क्लास है, रोज वो प्रश्न आप पूछेंगे तो कैसे बात बनेगी, इसलिए मैंने क्लास इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले ही आप लोगों को सब कुछ क्लियरली बता दिया था, आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, मानव द्वारा प्रयोग किया पहला मेटल कौन सा है, क्या बोलोगे, फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन, क्या बोलेंगे जी, आपका कॉपर है। लेकिन मैं पूछूं फर्स्ट अलॉय यूज्ड बाय ह्यूमन, तो आप क्या कहेंगे, कांसा कहेंगे। और इसके बाद में मनुष्य ने फिर आयरन एज में प्रवेश किया। यानी आज भैया हम देखते हैं आज ज्यादातर धातुएं किस चीज की बनी हुई है, या मैं बोलूं आज ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट किस चीज के बने हुए हैं, आप बताइए। जैसे आपके घर में ट्रैक्टर हो, या आपने देखा हो ट्रैक्टर खेती की जुताई के लिए जो हैरो कल्टीवेटर होते हैं, ये किस चीज के बने हुए होते हैं। यानी कि आपका मनुष्य ने लोहा जो आज हम प्रयोग करते हैं, ये जब वैदिक युग आया, कौन सा युग आया, जब वैदिक युग आया आपका, जिसको हम वैदिक पीरियड कहते हैं, वैदिक पीरियड में हमने इसको शुरू किया, लोहे को हमने खोजा। यानी जैसे आपको मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश में आपका अंतरजी खेड़ा नामक स्थान से हमको ये पता चला कि मानव ने सबसे पहले यहां से लोहा निकाला था, ठीक है। तो बात समझ में आई। अब बात आती है, हम बात करेंगे आपका ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों की, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति इसका क्या मतलब है। एसएससी सीजीएल ने एक प्रश्न पूछा पिछले वाले मेंस में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसको हम बोलते हैं ताम्रपाषाणकालीन यानी कि चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज सिविलाइजेशन। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया, मनुष्य ने, ये कौन है कि सर हिंदी में भी लिखो बेटा बिल्कुल ही बुद्धू हो, ये हिंदी है ही, चलो कोई बात नहीं, ऐसा होते हैं बच्चे। तो ताम्र पाषाण काल की अगर मैं बात कर रहा हूं, कॉपर का हमने यूज किया, तो कॉपर कहां कहां पर यूज हुआ था सबसे पहले, जैसे मैंने लोहे के लिए बताया कि मनुष्य ने उसको यूपी में प्रयोग किया, अंतरजी खेड़ा, ठीक है। तो क्या बता सकते हैं कुछ बच्चे, तो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में सबसे बड़ा नाम आता है पहला आपका बनास का। एसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछा गया, बनास संस्कृति जिसको हम बनास सिविलाइजेशन कहते हैं, उसका संबंध किस राज्य से है, तो बनास संस्कृति का संबंध है किससे, राजस्थान से, राजस्थान। अब राजस्थान को तो अंग्रेजी में लिखने को नहीं मांगोगे कि जी बनास को लिख दो, ऐसे लिख लेना BANAS, बनास संस्कृति यानी कि सिविलाइजेशन, ठीक है। दूसरा आपका आता है कायथा, कायथा ये जगह का नाम है, कायथा, बनास भी जगह का नाम है। कायथा संस्कृति का संबंध किस राज्य से है, तो ये कौन सी जगह है जहां से तांबे के बारे में हमको पता चला, मध्य प्रदेश, एमपी से। तीसरा आपका मालवा संस्कृति पूछेगा, मालवा सिविलाइजेशन, मालवा संस्कृति पूछे, मालवा संस्कृति जहां से तांबे के बारे में पता चलता है, संबंध कहां से है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का एक स्थल नवदा टोली बहुत प्रसिद्ध है, नवदा टोली स्थान था आपका जहां से इसकी प्राप्ति हुई, कौन सा स्थान है, नवदा टोली। हाँ ये बच्चा सही है, जनका गुरुजी संस्कृत में भी लिख दो प्लीज, ऐसे अच्छे बच्चे चाहिए, ठीक है। चौथी संस्कृति जो सबसे ज्यादा पूछी गई एसएससी सीजीएल मेंस का, जो प्रश्न मैं आपको बता रहा था, प्रीलिम्स में पूछा गया था आपका बनास। जोरवे संस्कृति का संबंध, ये मिलान के लिए आया था, जोरवे संस्कृति और मालवा संस्कृति, क्या बोलोगे, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में इसका जो प्लेस था वो था इनाम गांव, महाराष्ट्र का कौन सा जगह था, इनाम गांव,
और एक आपका सोनी गांव। दायमाबाद भी प्रसिद्ध रहा लेकिन दायमाबाद में उतनी खोजें ना हो पाई। ठीक है, बहुत बढ़िया सौरभ जी, बहुत थैंक यू। बात समझे, एक बार नोट करेंगे इसको तब आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोलेंगे, ताम्रपाषाण कालीन, अगर मैं पूछूं संस्कृति की ताम्रपाषाण के बारे में, यानी कि ताम्र का मतलब क्या हुआ, तांबा, तांबे का मतलब कॉपर, कॉपर के बारे में हमको कौन सी सिविलाइजेशन बताती हैं, भारत में कौन कौन सी जगह हैं, तो मैंने आपको बताया भारत में कौन कौन सी जगह हैं, एक राजस्थान में, मध्य प्रदेश की कायथा और मालवा संस्कृति, और अगर मैं पूछूं महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति, महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति। ओके, कोई दिक्कत, आगे चलेंगे। बेटा क्लास के अलावा और कुछ बात मत करो, मैं आपकी किसी बात का आंसर नहीं करूंगा। कौन से मॉक कब से शुरू होंगे, यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं ना कक्षा में, प्लीज रिक्वेस्ट है। अच्छे बच्चों से मैं उम्मीद करूंगा, खराब बच्चे कुछ भी लिखते रहें। जैसे देखो बच्चों कमेंट में क्यों नहीं पढ़ता हूं, एक बच्चा लिख रहा है सर जी उर्दू में लिख दो, सर जी आपका तबीयत कैसा है, सर जी दिल्ली पुलिस में पेपर है, क्या मुझे क्लास करनी चाहिए यूपीएसआई की, नहीं। एक बच्चा लिख रहा है आपका दिखाओ नीचे, सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूं। एक कह रहा है सर जी आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं। एक कह रहा है महाराष्ट्र में कौन सी संस्कृति थी, अभी बताया इसको ये नहीं पता चला। एक है आपका ओपी लिख रहा है खाली ओपी, ठीक है। एक पूछ रहा है इससे प्रश्न कैसे आएगा, इनको मैं प्रश्न बताऊं कि प्रश्न कैसे बनेगा। बच्चों बताया ना जोरवे संस्कृति का संबंध किस राज्य से है, इस तरह से प्रश्न आएगा, इसलिए तो मैं तुम्हारे कमेंट्स नहीं पढ़ता, ठीक है। मुझे अच्छे बच्चे चाहिए जो पढ़ने वाले बच्चे हों, जिनको नहीं पढ़ना है, क्योंकि सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और आपको यदि आपका सिलेक्शन लेना है तो आपको कमेंट सेक्शन से दूर होना होगा, और जो कमेंट सेक्शन से कहने के बाद भी दूर नहीं होता, मतलब उस बच्चे को सिलेक्शन की कोई चाह नहीं है। मेरा ये मानना है, एक्सपीरियंस भी है और अनुभव भी है इस बात का, क्योंकि मैं जितने भी सफल बच्चों से मिला हूं आज तक, वो सब कमेंट सेक्शन से दूर रहे हैं। अदरवाइज आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए अपनी जिंदगी का, साल 6 महीने का, और उसके बाद आप जानेंगे, ठीक है। चलो तो मित्र शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, क्या बोलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे आप बताएंगे, अगर मैं आपसे पूछूं अभी तक हमने क्या जाना था, एक बार कमेंट सेक्शन में एक एक शब्द लिख करके बताएंगे। हम तक भैया हमने जाना किसको, स्टोन एज को, पाषाण काल को, समझ गए। स्टोन एज का टाइम जानते हैं जो दोस्त, जानते हैं वो थम्स अप करना कि हाँ जी जानते हैं। पाषाण काल को हमने तीन तरीके से बांट दिया था, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और उसके बाद में तांबे का युग आया, वो समय जो पाषाण काल के एकदम बाद का था और जिसमें तांबे की खोज हुई, तांबे का उत्पादन शुरू हुआ और आपका मनुष्य ने तांबे का प्रयोग करना शुरू किया, उसको हम बोलते हैं क्या, बहुत बार पूछा गया मनुष्य ने जब तांबे की खोज की तो उस युग को क्या कहा जाता है, चालकोलिथिक एज। और जरूरी नहीं है हिंदी में दे, इंग्लिश में भी देता है, चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक पीरियड उसको हम कहते हैं, ठीक है मित्र। अच्छा स्टोन एज की सारे दोस्त एज जानते हो कितनी है, मैंने आपको कमेंट सेक्शन में एक दिन कमेंट सेक्शन के ऐसी क्लास में बताया आपको, और आप लोगों ने भी आंसर दिया था, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम कब से कब तक है जरा बताएं। जब हमने इतिहास का वर्गीकरण किया, आपसे मेरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना है, ये आपसे उम्मीद करूंगा आप बताएंगे। अब दरअसल में दो चीजें समझनी है, एक तो सिंधु घाटी, आप ये जानते हैं ज्योग्राफी में शायद आपने पढ़ा हो कि भारत में सिंधु घाटी किधर बहती है, यानी कि सिंधु नदी का बहाव जो है वो किधर है, तो आप क्या बोलेंगे, भारत के इस हिस्से में सिंधु घाटी बहती है, और फिर सिंधु घाटी मतलब सिंधु घाटी क्षेत्र है, और सिंधु नदी बहते हुए कहां पर गिरती है आपका, क्या बोलोगे, सिंधु नदी बहते हुए भैया अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में, जानते हैं ये बात। सिंधु की पांच सहायक नदियां हैं जो पंजाब है आपका, बता सकते हैं कौन सी पांच नदियां हैं, तो आप कहेंगे रावी है, व्यास है, सतलुज है, झेलम है, चनाब है, ये पांचों सिंधु की सहायक नदियां हैं। आदर्श यादव जी एकदम सही उत्तर आपने दिया, धर्मेंद्र कुमार जी एकदम सही उत्तर आपने दिया, आप सबने बताया कि 2500 बीसी से लेकर के और 1750 बीसी का जो टाइम है ये सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम है, ठीक है। तो सिंधु नदी तो हम जानते हैं, और यहां से बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्टिव आता है, सभ्यता क्या होती है, मैं आपसे बोलूं, हम समझते हैं सभ्यता का मतलब होता है हम किससे कितनी अच्छी तरह से बात करते हैं, जैसे आपने सुना होगा तुम सभ्यता से पेश नहीं आ रहे हो, तुम सभ्यता से पेश क्यों नहीं आए, तो जब हम अच्छे से किसी से बात नहीं करते तो हम कहते हैं यार तुम्हारे अंदर सभ्यता नहीं है क्या, तो क्या ये सभ्यता की परिभाषा होती है जिसको हम प्रयोग करते हैं, जी नहीं। सभ्यता सिविलाइजेशन से मतलब होता है, जो सिविलाइजेशन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, सभ्यता का मतलब क्या होता है, इसमें एक पैमाना नहीं होता, कई चीजें होती हैं, स्केल से नहीं बोल सकते, वहां के लोगों का रहन सहन कैसा है, लोगों की जो जीवन शैली है लाइफ स्टाइल वो कैसी है, रहन सहन, ठीक है, रहना सहना। अब रहने सहने में क्या आएगा, यानी वो खाते क्या है, वो क्या काम करते थे, वो क्या पहनते थे, उन लोगों की जीवन शैली, व्यापार करते थे कि नहीं करते थे, खेती करते थे नहीं करते थे, जीविका कैसे चलाते थे रहने के लिए। तो रहन सहन जो है किसी भी समाज का रहन सहन, ये एक सटीक परिभाषा हो सकती है किसी भी सभ्यता की, अगर कम से कम शब्दों में बोलें तो, ठीक है। तो ये अर्थ होता है सिविलाइजेशन का, क्योंकि देखो नदी के किनारे ही क्यों लोग रहते थे ये बताएं। आप कहेंगे भैया हम तो नदी के किनारे नहीं रहते, तो भाई साहब आपके पास हैंडपंप है, सरकार ने आपके लिए नहरें खोद दी, नदियां राजाओं ने बनवा दी, बहुत सारी नदी खुदवाई गई, तो आप तो जगह थगे रहने लग गए, लेकिन पानी की जरूरत क्या पहले ये सारी सुविधाएं थी। तो कोई भी सभ्यता कहां विकसित होती थी, जहां नदी होती थी, नदी, और नदी के किनारे ही को क्या रहते थे लोग, क्योंकि पानी सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। तो कभी भी कोई भी जो निवास हुआ
ये लोग बसे तो कहाँ के बसे, नदी के किनारे, ठीक है जी। तो नदी के किनारे जो लोग बसे उनका रहन सहन कैसा था, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। भारत के बारे में आप जानती हैं, मैंने कहा हर छात्र की जब आप पढ़ाई करते हैं तो एक मैप होना जरूरी है आपके पास में, भारत का भी और वर्ल्ड का भी जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो मित्र ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है किस नदी के किनारे विकसित हुई है, सिंधु नदी के किनारे। आज भारत 1947 में विभाजन होकर के इधर कौन सा देश है जरा बताएं, आप कहेंगे इधर पाकिस्तान है, पहले तो भारत ही था। तो जितने भी लोग आए इधर क्या है आपके, इधर अरब कंट्रीज हैं, ठीक है, इधर आपके पाकिस्तान से ऊपर की तरफ ईरान इराक ये सब है, ये अरब कंट्रीज हैं इधर। तो जितने भी अरबी लेखक इधर घूमने आए, अरबी लेखक इधर घूमने आए तो अरब में से का उच्चारण नहीं होता, से का उच्चारण नहीं होता वहां पर, से को क्या कहा जाता है, है। जितने भी अरब देश हैं अरबी लेखक कुछ भारत आए तो जो अरबी लेखक हैं वो से का जो प्रोनाउंसिएशन है वो करते हैं है। तो मुझे बताएं सिंधु को उन्होंने क्या कहा होगा, सारे दोस्त सिंधु को उन्होंने क्या कहा होगा, आप कहेंगे भैया सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा होगा। और बड़ी बहस देश में आज छिड़ी हुई है कि जो देश है उसका नाम भारत कर दिया जाए, इसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी सी, आप लोगों को समझना ही चाहिए एक बुद्धिमान छात्र की तरह, ठीक है। तो अरब से को है कहने लगे, तो जो सिंधु को इन्होंने हिंदू कहा होगा, और सिंधु नदी के आसपास का जो स्थान था, सिंधु के पास का जो स्थान था यानी जगह थी जो प्लेस था उसको क्या कहा होगा, हिंदुस्तान। और जो सिंध के रहने वाले लोग थे, सिंध इलाका ये सारा है आज वर्तमान जो पाकिस्तान है और भारत का ये इलाका सिंध कहलाता था प्राचीन भारत में, जो लोग बोलते थे यहां पर वो बोलते थे सिंधी भाषा, भाई सिंध के क्षेत्र सिंधी भाषा, तो सिंधी भाषा को इन लोगों ने क्या कहा, अरबी लेखकों ने सिंधी भाषा को इन्होंने कह दिया हिंदी भाषा, क्या कह दिया, हिंदी भाषा। तो समझे ये हिंदी हिंदू हिंदुस्तान शब्द किस प्रकार पैदा हुए। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में जीवन शुरू हुआ ऐसा आप कह सकते हैं क्या, नहीं, जीवन तो आदि मानव के समय से है, और अगर आदि मानव के समय से जीवन है, मैंने कहा आदि मानव खाना बदोस थे यानी खाने के लिए जगह 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 भटकते रहे, यहां खाना खत्म हो गया किसी अन्य जाति का आक्रमण हो गया तो कहीं और चल दिए, कहीं और चल दिए तो कहीं और भी पहुंचे, फिर कहीं और पहुंचे, तो ऐसी एक सभ्यता है जो सिंधु नदी के किनारे आकर के रुक गई, बड़े डेवलप लोग थे। अच्छा बहुत बढ़िया, ये समझ में आया क्या इसका इतिहास है कहलाने का। अब बात आती है भारत वर्सेज इंडिया की, तो फिर भारत कैसे और फिर इंडिया कैसे, आज तो हिंदुस्तान कोई नाम ही चर्चा नहीं चल रही है हिंदुस्तान के ऊपर, बात तो चल रही है भारत और इंडिया के ऊपर, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने चर्चा सुनी हो। भारत क्यों कहते हैं, क्योंकि देश में आर्य रहते थे हमारे में, मैं आपको बताऊंगा आर्यों के बारे में शायद अगली क्लास में, अगली क्लास में आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या है। तो यहां पर एक बात समझिए कि जब भारत में आपका आर्य आए तो जो आर्य यहां पर निवास करने लगे तो कहते उनका एक कबीला था भरत, एक राजा सुदास का वर्णन मिलता है वेदों में हमको, वेदों में भी नाम भरत ही मिलता है, कहते हैं उस भरत कुल में एक भरत नाम के ही राजा हुए। आप लोगों ने यदि पढ़ा हो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, उनकी कहानी है जिनके ऊपर महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, तो उन्होंने क्या कहकर के संबोधित कर दिया भारत। अब क्योंकि ये चर्चा में तब आया G20 के समय पर, भारत ने सब लोगों को नोटा भेजा तो वहां इन्विटेशन गया रिपब्लिक ऑफ भारत के नाम से, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से इन्विटेशन नहीं गया। तो बड़ी बहस छिड़ी एकदम से, तो उसमें एक तो बात यह बताई गई कि भारत क्यों करने जा रहे हैं, एक तो इस पक्ष में बात, एक इंडिया क्यों रहना चाहिए इस पक्ष में बात, और अगर कुछ बदलाव होता है तो किस तरह हो, देखना ध्यान से और एक बार शांत होकर सुनना, जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं वही मेरी बात समझ पाएंगे। भारत मैंने बोला सांस्कृतिक रूप से नाम हो गया वेदों में, अन्य प्राचीन नाटकों में, भारत राजा भरत के नाम पर हो गया, प्रतापी शासक हुए, संपूर्ण भारत पर शासन किया, और बहुत सारे देशों ने अपनी प्राचीन संस्कृति से जोड़ने के लिए नाम बदले हैं, जैसे बर्मा ने म्यांमार नाम किया अपना, बर्मा किसका हिस्सा है, भारत का। आपको यह भी जान लेना चाहिए भारत के चार मेजर हिस्सों में से कौन कौन से हिस्से हैं, उसमें से सबसे पहला हिस्सा 1893 का अफगानिस्तान है जिसकी सीमा इधर लद्दाख से मिलती है। पहला विभाजन में भारत का एक हिस्सा कौन सा गया, अफगानिस्तान। कभी भी आपसे कोई पूछे अखंड भारत जिसको हम कहते हैं, अखंड भारत का मतलब क्या था, उसका एक हिस्सा अफगानिस्तान था। पाकिस्तान कब अलग हुआ यहां, 1947 पाकिस्तान, ये भी भारत का ही हिस्सा था। इधर आपका बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान भी था, क्योंकि बांग्लादेश था नहीं, दो पाकिस्तान बने थे 1947 में, एक पाकिस्तान इधर पश्चिमी पाकिस्तान, इधर ईस्ट पाकिस्तान। तो बांग्लादेश जो आपका बना ये बना 1971 में, इंदिरा गांधी जी ने इसको स्वतंत्र कराया, और एक हिस्सा था म्यांमार। क्या बोलोगे, म्यांमार, आप मुझे बताएं म्यांमार कब बना था। तो म्यांमार 1937 में बना, पॉलिटी में आप पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसको बनाया गया, ठीक है। तो ये चारों देश कहां थे, मुख्यतः भारत में थे, जिसको हम अखंड भारत भी कहते थे, इसको आचार्य चाणक्य जी ने, उनके बारे में भी आप पढ़ेंगे क्या योगदान है उनका। तो यहां दोस्त देखने की बात एक है कि इसको हमने कह दिया भारत, और इन सब लोगों ने कहा कि हमारी संस्कृति, तो म्यांमार का नाम पुराना क्या था, इसका पहले नाम बर्मा था, लेकिन यहां की गवर्नमेंट ने क्या नाम कर दिया इसका, फिर से बदल के बर्मा से बदल के म्यांमार। इन्होंने कहा हमारी सांस्कृतिक जड़ें म्यांमार नाम से जुड़ी हुई है, तो इन्होंने अपने देश का नाम म्यांमार कर दिया।
भारत का इधर दक्षिण में एक देश है श्रीलंका, जिसका पहले नाम था सिलोन। क्या बोलोगे? सिलोन नाम था, लेकिन सिलोन नाम से चेंज करके इन्होंने भी श्रीलंका कहा। इन्होंने कहा हमारी जो पौराणिकता है या हमारी जो मान्यताएं हैं या हमारी जो संस्कृति है वो लंका नाम से जुड़ी हुई है, तो इसका नाम श्रीलंका करेंगे। तो भारत में, भारत होने के पक्ष में भी यह तर्क है कि सांस्कृतिक रूप से भारत से नाम से जुड़ी हुई है। ठीक है, क्या बोलेंगे? बोलेंगे भी फटाफट से। अब यहां पर बात आ गई कि भारत तो ठीक है, फिर इंडिया नाम कहां से आया? तो जब आपका संविधान का निर्माण हो रहा था तो बहुत बहस हुई, संविधान सभा में भी एक कामत जी थे जिन्होंने बड़े अच्छे तर्क दिए इसके लिए, और अन्य तर्क आए, कांग्रेसियों की तरफ से एक तर्क आया कि जैसे आप संविधान में पढ़ते हैं इंडिया दैट इज भारत, उन्होंने कहा इंडिया दैट इज भारत नहीं, दूसरे नंबर पर मत रखो भारत को, भारत को पहले पर रखो, भारत दैट इज इंडिया, भारत दूसरे स्तर का नहीं लगना चाहिए। कहने का मतलब है बाद में संविधान में दोनों ही शब्द, भारत का क्या नाम है संविधान में जरा बताएं, तो आप कहेंगे भारत अर्थात इंडिया। कैसे शुरू होता? अंग्रेजी में वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हिंदी भाषा में हम भारत के लोग, क्योंकि राष्ट्रपति साहब के पास ये अधिकार भी है कि वो संविधान को हिंदी भाषा में भी उसकी एक मूल कॉपी जो है उसको लॉन्च करवा सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो लोगों ने कहा कि जो लोग यहां पर आए जितने भी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई व्यापार करने, उसने इसको नाम दिया इंडिया। तो ये इंडिया नाम जो दिया हुआ है ये किसके द्वारा दिया गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, आप लोग जानते हैं भारत यात्रा करने आया कौन? कोलंबस निकला था लेकिन नहीं खोज पाया, रेड इंडियन प्रजाति को खोज लिया, उसी को इंडिया कहने लग गया। बाद में उसको पता चला ये तो वो नहीं है जिसको ढूंढने आया था, तो अमेरिका है। फिर बाद में यूरोपियंस ने, ईस्ट इंडिया कंपनी में उसमें बड़ा योगदान है जिसने उसको इंडिया कहा, और जितने भी इंटरनेशनल कॉनकॉर्ड्स यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उन सभी में भी भारत का नाम क्या है? इंडिया है। तो उन सभी जगह से अगर इंडिया का नाम बदलते हैं तो यहां पर एक तर्क आता है कि उस सब में जो खर्चा आएगा अगर हम इंडिया का नाम प्रतिस्थापित करें 14,000 करोड़ रुपए का। इसको लेकर के भी एक तर्क है कि अगर नाम बदलेंगे ये तो 14,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और इंडिया नाम भी जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग इसको इंडिया के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही पक्ष हुए आपका, तो गवर्नमेंट जो करेगी वो करेगी ना आपके कहने से ना मेरे कहने से, लेकिन सरकार को ये करना चाहिए कि लोगों की सहमति से, रेफरेंडम, जनमत संग्रह से ये देख करके कि अधिकतम जनता, और जिस चीज में कोई हानि ना हो, जिस चीज में कोई लॉस ना हो, ऐसा कोई कार्य करे। ठीक है, तो बात समझे भारत का क्या हो गया। अब देखो यहां पर ये लिखा हुआ ना सिंधु स्थान, अब तुम ये सोचो जी हिंदुस्तान कहते होंगे, उन्होंने उसको हिंदुओं की जगह कहा, स्थान तो मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं क्योंकि सह तो यहां भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हिंदुस्तान बोलेंगे ऐसे। तो बात समझ में आई कुछ भारत से, भारत और इंडिया का अर्थ क्या है, एक बार थम्स अप कीजिए थोड़ा बहुत अगर तुम्हारे कुछ गया हो मगज में तो। ठीक है, तो कहने का मतलब है पहले जो सभ्यता हमारे देश में विकसित हुई सबसे पहले वो किस नदी के किनारे? सिंधु घाटी नदी के किनारे। वहां के जो लोग जिनका रहन सहन कैसा, इसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब सारी बातें आएंगी। अब सिंधु घाटी सभ्यता का एक काल क्या पक्का है जी? इतने ही समय पहले थी। अगर मैं 2500 BC कह रहा हूं तो आज से कितने साल पहले कह रहा हूं? 2023 जोड़ देंगे, 2023 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे लगभग भैया 4500 वर्ष पुरानी है। बहुत बढ़िया जी, फिरोज आलम जी, प्रदीप, अंकिता, अमर कुमार श्रीवास्तव, ओम प्रकाश, बहुत शानदार। ठीक है, लेकिन अभी IIT खड़गपुर ने रिसेंट में रिसर्च की है, IIT खड़गपुर ने इस बात को डिनाई कर दिया है। अब परीक्षा में नहीं लिख के आएंगे, अभी सरकार ने इसको वैधता नहीं दी है, सिर्फ IIT खड़गपुर की रिपोर्ट है। IIT खड़गपुर कहता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। 8000 वर्ष पुरानी यानी 2000 में तो हम जी रहे हैं, 6000 BC उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा इसके साथ में ही एक मिस्र की सभ्यता थी, मिस्र सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, वो भी 7000 वर्ष पुरानी थी। एक मेसोपोटामिया की सभ्यता, आपने सुना है नाम? नहीं सुना तो जानिए, ऐसा थोड़ी है कि लोग भारत में ही रहते थे या सिंधु नदी के किनारे ही रहते थे, पूरी दुनिया में भी तो कहीं ना कहीं और गए। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये 6500, मेसोपोटामिया हम लोग इराक को कहते हैं, इराक, आज इसका नाम इराक है, 6500 वर्ष पुरानी इसको कह दिया है। तो मैं पूछूं सारी सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी? जैसे बहुत जगह इतिहासकारों ने लिखा सुमेरियन सभ्यता सबसे पुरानी है, तो उस बात पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं, और उन्होंने अपने खनन के द्वारा जो एक्सकेवेशन किया, जो उन्होंने पुरातत्व विभाग ने जो खोज की उसके अनुसार उन्होंने बताया है कि सबसे पुरानी सभ्यता। तो बहुत बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में थी, तो ये कौन कौन सी है? मिस्र की है, मेसोपोटामिया की है। भाई अन्य जगह भी लोग रहते होंगे हाँ या ना, या सिर्फ सिंधु घाटी के किनारे पूरी दुनिया में? नहीं जी, अन्य जगह भी, आपस में इनके लेन देन भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के साथ में लेन देन करते थे। ओके ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके और कौन कौन से नाम है? हड़प्पा सभ्यता, चूंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल है इसका। हड़प्पा भारत में कि पाकिस्तान में? मूवी देखी होगी तुमने मोहनजोदाड़ो, और हड़प्पा ये कहां पर है? इसको कांस्य सभ्यता क्यों कहते हैं? कांस्य समझ गए ना, क्योंकि इस टाइम पर क्या हो गया, ब्रोंज हम प्रयोग करने लग गए, कांसा है ये, कांसा मेडल भी मिलता है ओलंपिक में, कांस्य, ये अलॉय है, ये अलॉय का टाइम आ गया। ये प्रथम नगरीय सभ्यता है, इससे पहले तो लोग घुमंतु थे, ये वो सभ्यता है जिसने नगर बसाए, सिटी बसाई। ठीक है, सरस्वती सभ्यता भी इसको हम कहते हैं,
सुमेरियन सभ्यता की बेटी भी इसको कहा जाता है। कहते हैं बहुत सारे इतिहासकार कि सुमेरियन सभ्यता इससे पहली थी, वहां से लोग आकर के इस सिंधु घाटी के किनारे अपने जीवन को चलाने के लिए बसे। सर वास्को डिगामा ने खोज की थी भारत की। अच्छा भाई साहब, बेटा कोलंबस खोज के लिए सबसे पहले निकला था, वो अमेरिका पहुंच गया था, ये बात मैं आपको बता रहा था। बुद्धू इंसान फटीचरू सुनते नहीं आप, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है, आपको बस कमेंट करना होता है, गलत बात है। जीवन में एक दिन हताश हो जाओगे, सुनना है और जो कुछ भी जानना चाहते हो उसको किनारे पर लिख लिया करो, ये मेरा डाउट है, मैं इसके बारे में रिसर्च करूंगा तो जान जाओगे। ये सोचोगे कमेंट में लिखता रहूं कुछ का कुछ तो कभी जीवन में नहीं जान पाओगे, ठीक है। बोलेंगे जी, पहली बार 1826 में चार्ल्स मेसन ने खोजा। क्यों भैया, खोजी कौन सी चीज जाती है? देखो दो शब्द होते हैं, एक खोज और एक आविष्कार, दोनों में अंतर समझते हो? खोज और आविष्कार, हिंदी भाषा में भी बड़ा वर्तनी में या आपका वाक्य शुद्धि में प्रश्न आता है। खोज बोलते हैं हम डिस्कवरी को, डिस्कवरी, और आविष्कार होता है इन्वेंशन, आविष्कार होता है नई चीज का, नई चीज मतलब जो पहले से नहीं थी। जैसे पंखा बनाया किसी ने, तो पंखा क्या पहले से था? जब पहली बार पंखा बना होगा तो पंखा था क्या? आप कहेंगे नहीं। किसी ने गाड़ी बनाई पहली बार, तो गाड़ी पहले थी या नहीं थी? नहीं थी जी, पहली बार बनी। लेकिन खोज होती है जो चीज पहले से है, यानी पहले से कहां होगी? तो जमीन के नीचे दबी हुई है, जो पहले से हो, अर्थात अब पहले से हो तो आंखों से तो दिख जाएगी, तो इसका मतलब खोज क्यों हुई जी फिर? तो वो दबी हुई थी। जैसे हम कहीं पर खोजें, कहीं से हमको पता चला कि इस जमीन में यहां पर सोना है, हमको पता चला यहां हीरे की खान है, हीरे की खान है, तो ये सब क्या हुए हैं? आप कहेंगे भाई साहब ये सब हुए हैं जी खोज, जो जमीन के अंदर दबा हुआ है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैसेन ने इसको खोजा, इसका मतलब मैसेन ने इसको बनाया नहीं, ये कहीं दबी हुई थी। मैसेन ने इसके बारे में रिपोर्ट दी, जब खुदाई के दौरान उसको कुछ ईंटें दिखाई देती हैं तो वो कहता है कि कुछ विशेष प्रकार की ईंटें ऐसी जो कहीं ना दिखती हों, तो उसकी बात को हल्के में ले लिया गया, उसकी बात को हल्के में ले दिया गया, ठीक है। 1856 में पहली बार कनिंगम ने इसका सर्वेक्षण किया। कनिंगम जो भारतीय पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे का फादर है भारत का, उसने सर्वेक्षण किया। 1856 में बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी। कैसे, इनको कैसे पता चली सूचना? भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी, क्या आप बताएंगे? डलहौजी ने भारत में रेल चलाई, नो डाउट भारत के विकास के लिए रेल बहुत फायदेमंद रही, लेकिन अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए भी रेल का इस्तेमाल किया। भारत से कच्चा माल उन्होंने ढोया, भारत की बेशकीमती चीजें, अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक भारत को जमकर लूटा। जब वो लूटते रहे 1764 में जब अंग्रेज कामयाब हो गए बक्सर के युद्ध में, तो 1857 तक तो ठीक था, यहां बीच में 1856 से लेकर के 5600 भी छोड़िए, उससे भी पहले अगर मैं आपको लेकर चलूं, 1848 से 56 डलहौजी का कार्यकाल है, और डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में पहली रेल चली। तो डलहौजी ने जो रेल चलाई ना, उसका मुख्य मकसद था क्या? भारत से जो कच्चा माल था उसको समुद्र तटों तक पहुंचाना, और रेल कहां चला था? पटरियों पर। तो पूरे देश में पटरियां बिछाने का काम हुआ भारत से सामान को लूट कर ले जाने के लिए, या अंग्रेजों को खुद का जो तंत्र भारत में था उसको मजबूत बनाने के लिए। तो रेल जब बिछाई जा रही थी, जो पटरियों की खुदाई हो रही थी, उन पटरियों की खुदाई में इनको पता चला, तब इन्होंने मैसेज दिया, और इसके बाद में काम शुरू हुआ धीरे धीरे धीरे, बहुत बड़े स्तर पर नहीं हुआ, ठीक है। समय काल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 2500, और दोस्त जिसको मैं इंपॉर्टेंट लिखूं उसको हमेशा मार्क करके रखना है आपको। सबसे पहला प्रयास इसमें मार्शल के समय पर हुआ, समय बीतता गया। अब आते हैं, समय बीतता गया तो आपका कब कब कौन कौन से शहर, तो 1921 में पहली खोज सफल हो पाई। मार्शल अध्यक्ष थे, दयाराम साहनी एक उत्खननकर्ता थे, यानी उत्खनन, अभी मैं आपको बताऊंगा उत्खनन और खनन क्या होता है। सबसे प्राचीन नगर कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? भिरडाना, हरियाणा का, ठीक है, और हरियाणा का ही सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़ी। भिरडाना को खोजा गया 2014 में, और यहां पर क्या पता चला कितने साल पुराना है? तो यानी आईआईटी खड़गपुर की जो रिपोर्ट है वो इससे मैच करती है या नहीं? लगभग कुछ लोग जो कह रहे हैं 2500 बीसी पुराना है, अधिकतम इतिहासकारों का यही कहना था, तो वो खोजें अब गलत होती दिखाई देती हैं, क्योंकि इतिहास में दोस्त कोई व्यक्ति तो बैठा नहीं, हमेशा कुछ चीजें कुछ खोज हुई, उनके समय पता ही लगाए गए अन्य विधियों से कौन सी चीज कितनी पुरानी है, तो वो रिसर्च का एक विषय है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है सिंधु घाटी सभ्यता का? बढ़ ही रहा है, रोज खोजें होती हैं, रोज बढ़ जाती हैं, अभी तक लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। आकार कैसा है इसका? त्रिभुजाकार है। अगर आप भारत में देखोगे, भारत और पाकिस्तान इस क्षेत्र से लेकर के ये ऐसे लगभग फैली हुई है, तो इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। समाज कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता में? अब हम रहन सहन के बारे में पहुंच रहे हैं, मैट्रियार्कल यानी कि मातृसत्तात्मक। आपके घर में किसकी चलती है बताएं एक बार, मम्मी की या पापा की? लेकिन आपको एक चीज और सोचनी होगी, आप कहेंगे जी दोनों की चलती है, लेकिन मुझे बताएं घर के बड़े डिसीजंस कौन लेता है? शादी किससे होगी घर के बच्चों की, घर किस प्रकार चलेगा, आदि मुद्दे आज के समय में किसके? पितृसत्तात्मक समाज आज हो गया है, आज पैट्रियार्की को हम लोग फॉलो करते हैं। पैट्रियार्की मीन्स पितृ सत्ता, लेकिन पहले मैट्रियार्कल थी सोसाइटी, यानी आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय था वहां पर बड़े डिसीजंस, बड़े निर्णय कौन लेती थी? माता लेती थी। बहुत बढ़िया, बहुत सारे दोस्तों की मैं देख पा रहा हूं,
कि पिताजी बड़े डिसीजन लेते हैं, वेरी गुड, मम्मी चलती है, नो डाउट इसमें, विशेष जगह पर मम्मी की चलती है, मम्मी पापा की फाइट भी हो जाती है, जैसा हमने अपने घर में देखा, हमारे घर में हमारे पिताजी चलती है, ऐसा होता कि सर ऐसे बोलते थे ना, चलती है ठीक है। तो इनका समाज कैसा था, लेकिन जैसे जैसे वैदिक युग आएगा, वैदिक पीरियड आएगा, वैदिक टाइम आएगा, जब वेदों को लिखना शुरू किया जाएगा, उस समय पर समाज शिफ्ट हो जाएगा, मात्र सत्तात्मक से ये समाज पितृसत्तात्मक कब हो जाएगा, जैसे ही वैदिक युग आना शुरू होगा। ओके, सारे दोस्त लिख रहे हैं, बहुत सारे मम्मी की लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आप वापस लेके जा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का समय आपके घर में आ चुका है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं दादाजी, हाँ दादाजी पितृसत्तात्मक में, वो पिता है किसी ना किसी के, दादाजी की भी चलती है तो वो पितृसत्तात्मक, मामा जी की चलती है तो वो भी किसी ना किसी के पिता है, यानी कि मेल ऑर्डर या फीमेल ऑर्डर, ऐसे आप समझ सकते हैं। आगे आएंगे, गुरु जी मुझे जीके में बहुत दिक्कत होती है, इसको ब्लॉक कर दो, कोई भी बच्चा इधर जो ध्यान न लगाए उसको उड़ा दिया करो, वो कम से कम एटलीस्ट कमेंट नहीं कर पाएगा, कल पढ़ेगा तो सही बैठ के, क्योंकि उसके में लिखा है फिर कमेंट आर डिसेबल, और खुलना नहीं है इसका क्योंकि इसको पढ़ना नहीं है, कम से कम ऐसे डंडे से भी पढ़ाता हूँ मैं जो नहीं पढ़ता, अब ब्लॉक हो जाओगे कभी कमेंट नहीं कर पाओगे, अब सिर्फ चुपचाप बैठ के पढ़ना ही होगा, ठीक है, यही डंडे से पढ़ाना है, ऑनलाइन में ऐसे ही डंडा हो सकता है। लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक है, अपठनीय है, भाव चित्रात्मक लिपि जिसको हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफी। यहाँ पर आप देखोगे कुछ चित्र मिले हैं, जैसे ऐसा कुछ साइन मिल गया, आप बोलोगे तो वाई है जी, वाई के जैसा नहीं है, चित्र मिला कुछ, अब ये जरूर सीधी सी बात है कि इस चित्र के द्वारा कुछ ना कुछ तो इसका अर्थ होगा, लेकिन आज तक भी रिसर्चर्स नहीं पढ़ पाए, बहुत उत्खनन हो गए, बहुत जगह साइन, अब उत्खनन समझो, एक शब्द होता है खनन, माइनिंग, आप जानते हो ना खनन, तो जैसे आप सोने को खोद रहे हैं तो नीचे की तरफ हमने कुछ खुदाई की जमीन में, ये क्या है, ये खनन है, माइनिंग और एक्सकेवेशन, जब उत्खनन की बात करते हैं तो उत्खनन क्या होता है, जमीन में आप नीचे की तरफ भी खोदते हो और इधर उधर भी चलते हो, तो जब नगर खोजा गया, एक पहले एक घर निकला और फिर ऐसे ऐसे खुदाई हुई, भाई साहब जमीन के नीचे पूरा शहर, सोचो जमीन के नीचे पूरा शहर दफन हुआ, भैया कैसे दफन हो गया था ये, ऐसी क्या फत आ गई थी कि सारा का सारा दबा हुआ है, तो उसके बारे में भी फिर बहुत अलग अलग मत हैं, कुछ लोग कहते हैं सिंधु घाटी में बाढ़ आई, कुछ प्राकृतिक आपदा कहते हैं, कुछ भूकंप कहते हैं, ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ है, एक विशाल बाढ़ आई जिसने सब कुछ डुबो दिया, ठीक। पूजा किसकी करते थे, पशुपति, भगवान शिव, ईश्वरीय बातें भी हम करेंगे क्लासेस में, ध्यान से देख लेना, तो मैं उस समय आपसे पूछूंगा शिवजी के बारे में, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में माना जाता पशुपति आज के जो हमारे रुद्र देवता शिवजी के जैसे हैं। मातृ देवी, उर्वरता की देवी, यानी खेती करते थे तो जो पैदा कर रही थी जमीन उसको इन लोगों ने बड़ा पूजा, सोचो कितने साइंटिफिक है, उर्वरता को पूज रहे हैं, आज भी लोग पूजते हैं, लेकिन आज हमारी पूजा पद्धतियां बदलती जा रही, आज हम लोग दोस्त बहुत समय तक किसी को फॉलो करते हैं और बाद में हमको पता चलता है उस आदमी पर तो भ्रष्टाचार के आरोप है, जैसे आप लोगों ने देखा बहुत सारे आसाराम के फॉलोअर्स हो गए, हम लोगों ने उन सब चीजों को पूजना कम कर दिया जिसने हमको जीवन दिया, जैसे छात्र जीवन में ये कहते हैं कि छात्र को सूर्य की पूजा करनी चाहिए जब आप सुबह उठते हैं, क्योंकि एक छात्र यदि सूर्य को लोटे में जल ऐसे सिर के ऊपर से दे तो सूर्य से होकर के जो व्हाइट लाइट आती है, श्वेत प्रकाश, आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे श्वेत प्रकाश, विवग्योर भी आपने पढ़ा होगा, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन पढ़ा है ना, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये जैसे ही निकल के आंखों में ये जल ऐसे किरणें आती है तो आंखों की जो शंक्वाकार कोशिकाएं उसको मजबूत करती है और आपको चश्मा नहीं चढ़ता है, तो बड़ा लॉजिकली बताया गया भगवान सूर्य की पूजा करो क्योंकि उससे हमारा जीवन भी है, पृथ्वी से हमारा जीवन है, इस वायु से हमारा जीवन है, पेड़ पौधों से हमारा जीवन है, और हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को, यानी जिसको पूजना चाहिए उसको हमने काट दिया, जिसने हमको जीवन दिया उसने काट दिया, और हम लोग बहस कर रहे हैं कि देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया, हमारे तर्क उन सब चीजों के लिए ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं जिससे कोई लेना देना नहीं है, जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और जो चीजें जरूरी थी उसको हमने जड़ से मिटा दिया, तो आप सोचो पूजने लायक किसी चीज को जिसने आपको जीवन दिया उसको आपने काट दिया, तो सही किया आपने या गलत किया, घर बनाने के लिए या हमने अपने बंगले बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, किसी भी कार्य के लिए, सड़क आदि के लिए समझ आता है कि राष्ट्र की उन्नति में सहायक है, लेकिन उससे ज्यादा वृक्ष लगे, ठीक है, ये क्या बात हुई कि ये लोग एक समय से आगे हैं, एडवांस्ड हैं। पवित्र पशु, कुबड़ वाला बैल, कुबड़ समझते हो बैल के, यहां आपने देखा हो सांड के, यहां पर तो बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। व्यवसाय इनका क्या था, आयात निर्यात, व्यापार करते थे कहां से, मेसोपोटामिया से, मैंने आपको बताया, अन्य देशों से भी, अरब कंट्रीज से भी, पैदल पैदल जाते थे क्या व्यापार करने, हाँ जी इनके पास जहाज भी था, लोथल में एक बंदरगाह भी था इनके पास में, हल्के फुल्के नहीं है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता दो टीलों में विभाजित है, कितने टीलों में, दो टीले, दो टीले कौन कौन से हैं, बहुत पूछा जाता है, लेकिन यहां से एक बात आएगी, एक सॉरी लिखा हुआ है पश्चिमी और पूर्वी टीला, पश्चिमी और पूर्वी टीला, ठीक है। पश्चिमी और पूर्वी टीले का मतलब क्या था, देखो ये कौन सी साइड होती है, आप ब्रिजिंग में पढ़ते होंगे, नॉर्थ है ये, साउथ है ये, ईस्ट है ये, वेस्ट है, तो जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है तो पश्चिमी और पूर्वी टीले, पश्चिमी और पूर्वी टीले, पश्चिमी टीले को ये बनाते थे अपना जो निम्न वर्ग इन्होंने बांट रखा था, अपना जो इनके श्रमिक थे,
जो इनके यहाँ कार्य करने वाले लोग थे, और पूर्वी टीले में रक्षा प्राचीर के साथ में रहती थी फैमिली, राजा का परिवार, राजा के करीबी लोग। आप कहेंगे उस समय राजा थे क्या? मुखिया तो कोई ना कोई रहा होगा, क्योंकि अगर कहीं एक कबीला रहता उसका कोई एक सरदार ना हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, जरूरी हो ही जाता है कि होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? पूर्वी टीले में विभाजित था, लेकिन एक ही नगर है। लेकिन धौलावीरा एकमात्र नगर है जो कितने टीले में है? तीन टीलों में। इसमें ईस्ट टीला भी था, आप लोग अपने पीडीएफ में देख सकते हैं, वेस्ट टीला भी, ठीक है, वेस्ट माउंट था, और एक था इसमें मिडिल माउंट, मध्य टीला। मध्य टीला इन्होंने जो इनके मंत्री आदि थे उनके लिए बनाया अलग से धौलावीरा में। धौलावीरा भी एक विकसित स्थान था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सेवा, और थैंक यू। यहां देखें, अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ये स्थल बड़े पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? क्या कहेंगे? उत्तरी स्थल है मांडा, यानी कि चेनाब, जम्मू और कश्मीर, ठीक है, और आपका आलमगीरपुर हिंडन पर, ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। साउथ, जीडी हर बार पूछा, 17 में, 19 पिछले में पूछा, क्या कि दैमाबाद जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है, पूर्वी, पश्चिमी या उत्तरी या दक्षिणी? तो दक्षिणी। दैमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। ये प्रवरा नदी के किनारे है, ये गोदावरी की एक सहायक नदी है, और पश्चिमी स्थल है इसका पाकिस्तान में, पीएके मतलब पाकिस्तान, सुतकांगेडोर, दशक नहीं दाश्क, किस रिवर के किनारे है? दाश्क नदी के किनारे, दाश्क रिवर है। तो प्रश्न, ये चारों तो हम जान लेंगे, प्रश्न ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो भारत में स्थित नहीं है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? आपका उत्तर क्या होगा? एक हमारा दोस्त है, वो बहुत देर से बस एक ही कमेंट कर रहा है कि 7 वर्ष की अवस्था में निकल गया था पूरी दुनिया की यात्रा पर, डार्विन। बहुत बढ़िया बेटा, इसे कई घंटे तक लिखा ना, इसे शाम तक लिखना, जितनी भी क्लासेज हो सभी में, फिर तुम्हें याद हो जाएगा, है ना? वेरी गुड मेरे लड़के, बहुत शानदार बच्चू, मेरे दोस्त, मेरे चाचा, बहुत गजब, खुशी मिलती होगी इससे। हाँ जी गुरुजी, ये अद्भुत प्रकार की खुशी है, एक ही कमेंट को कई बार कर देना, इससे जन्नत की प्राप्ति होती है। आओ जी बाकी बच्चे आए, अबे तुम नटखट होने कब छोड़ोगे, कब तुम बौद्धिक रूप से विकसित होगे? इतना जीवन तो निकाल दिया ना 20 वर्ष तक का मजे मजे में, आगे का क्यों मजे में निकालना चाह रहे हो? कर लो कुछ अध्ययन क्या बोलोगे जी? तो ये तो भारत का हो गया, जम्मू कश्मीर भारत, ये हिंडन यूपी भारत में, महाराष्ट्र भारत में, लेकिन ये कहां का? वेस्ट। वेरी गुड, ठीक है, कुछ दोस्त अभी भी नॉर्थ लिख रहे हैं। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, ये आप लोगों को देखने याद करने की चीज है। सबसे पहले किसकी खोज हुई है? हड़प्पा की, सबसे पहले, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। किस नदी के किनारे थी? रावी नदी के किनारे। एक तो नदी का किनारा, मैं बता देता हूं कौन कौन महत्वपूर्ण है। एक तो हड़प्पा आपको महत्वपूर्ण, दयाराम साहनी, ये उत्खनन करता थे, और यहां पर अध्यक्ष कौन थे इस पूरे मिशन के, भैया खोद के पता लगाओ क्या बवाल है नीचे, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। मोहन जोदड़ो 1922, राखल दास बनर्जी, क्या भारत में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। मोहन जोदड़ो इस दुनिया के सबसे गर्म स्थलों में से एक है, ठीक है। चनहुदड़ो 1934, किसने खोज की? मजूमदार ने, पाकिस्तान में। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सबके खोजकर्ता आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है ना, बाकी का क्या याद करना, बाकी की याद करना सिर्फ नदी और राज्य। पूछा जाता है हमेशा इन तीनों से, तो वर्ष प्रश्न पूछा जाता है कई बार। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, और किस राज्य में है? गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। सर आज ज्यादा पढ़ा दीजिए, यूपीएसआई की क्लास नहीं है। अरे भाई साहब, मेरी तो क्लासेस होती है, आप मुझे पहले बता दिया करो कब क्लासेस नहीं होती, तो मैं अपनी आगे पीछे शिफ्टिंग कर सकता हूँ उस समय, ठीक है। कोई नहीं, पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, आप बस मेहनत करते रहो, साथ साथ चलते रहो। लोथल किस राज्य में है, जरा बोलते चले एक बार, ये मैं आपसे जब कभी पूछूं तो आपको मित्र मैं उम्मीद करूंगा तुमसे कि आप मुझे बताओगे कि लोथल गुजरात में है भैया। इनके बारे में हम अभी विस्तार से जानेंगे कि लोथल में गोदीवाड़ा था, या किस जगह पर क्या क्या मिला है, क्या क्या पाया गया, ठीक है। आगे बनावली कहां पर है? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती का पुराना नाम दशवती था, ये नदी लुप्त हो गई अब तो। बनावली तो समझ गए सबके, क्या एक पढ़ने हैं इनके, वर्ष बिल्कुल ना पढ़ने की आवश्यकता है। कालीबंगन, जो दोस्त याद कर सकता है वो याद कर ले, अच्छी ही बात है जो सब कुछ याद कर पाए तो। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, बहुत पूछा जाता है। रोपड़ सतलज में, सतलज नदी के किनारे कहां पर है? पंजाब में। ये राज्यों की स्थिति है, क्या बोलेंगे? राज्यों की स्थिति है, ठीक है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे कहां पर? हरियाणा में। सुरकोटला सादीकोर नदी के किनारे गुजरात में, सुरकोटला, जहां से घोड़े का अस्थि पंजर मिला था, मतलब कि घोड़ा भी था उस समय पर कोई दिक्कत? चलेंगे आगे। अब आते हैं अन्य स्थल कौन कौन से सिंधु घाटी के, जस्ट एक बेसिक बात है कि कौन कौन सी साइट है, हम कौन कौन से भी पढ़ने वाले हैं। पाकिस्तान का अमरी कोट दीजी अल्लाह दीनो गणेरी वाला, गणेरी वाला, बहुत बढ़िया। गुरु जी क्या हम कभी भी कमेंट नहीं कर सकते? नहीं कर लो, ऐसे नहीं, देखो बस मैं ये चाहता हूं आप अपने सिलेक्शन से ना चूक जाना, अच्छा बच्चा ना चूके, जो खराब है वो बेशक चूक जाए, जो मेहनत ना करे वो बिल्कुल चूक जाए, जिसने तैयारी ही ना की उसका सिलेक्शन। लेकिन अगर आप में से कोई अच्छा बच्चा है
और उसको नहीं पता है। और बच्चे के अंदर एक कम एज में का लालच होता है, क्योंकि हम तुम सब दूर हैं, उसको ये लगता है गुरु जी कैसे ही मेरा नाम ले ले, मेरी आत्मा तरफ कुछ नहीं है बच्चे। एक दिन हम और आप मिलेंगे, जब आप सिलेक्शन लेकर के आओगे तब मिल के जाना, बात करके जाना, स्टूडियो आना, बात करके जाना। सिलेक्शन होने के बाद एक बार तो आ ही सकते हो ना मिलने, आ जाना, सबसे मिल के जाना। बस इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कमेंट ना करो, क्योंकि मस्तिष्क बच्चू ऐसा है कि आप कहीं और ध्यान लगाएंगे तो ये यहाँ की चीज़ों को फ्लॉप कर देगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप अभी लगातार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, और आप जो मैं बोल रहा हूँ वो भी स्टोर हो जाए, संभव ही नहीं है। ये दर्शाता है कि आप जो बोला जा रहा है उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते, आपकी उंगलियां बस कीबोर्ड पे चलती रहती हैं दिन रात, चैटिंग के लिए, क्लास में भी। इनको विराम दो उंगलियों को थोड़ा, और इसको एक्टिव करो। अन्य स्थल है पाकिस्तान का अमरी कोट दीजी अल्लाहदीनो गणेरी वाला, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी साइट है, ठीक है। हरियाणा के बालू भगवानपुरा मीनाथल पूछता है, मीनाथल स्थल किस राज्य में है, कोणाल स्थल किस राज्य में है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोट दीजी और अमरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान का बालाथल भी बोलते हैं इसको, बालाथली भी, कर्णपुरा। गुजरात की देसलपुर साइट, देसलपुर स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है, कहां पर है, गुजरात में। कुंतासी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, रोजदी, रंगपुर और मालवण, ये कहां की है, ये गुजरात की साइट है, कहां की है, गुजरात की साइट है। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, कोई दिक्कत, आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश की सनौली साइट है, हुलास साइट है, सहारनपुर की तरफ है। सनौली साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हुलास कहां, उत्तर प्रदेश में है। पंजाब की बाड़ा और दधेरी, ये तो हुए फैक्ट जो आप लोगों को पढ़ के रखने। अब इसमें मैं आपको ये तो नहीं सोचते तुम जी हुलास के बारे में भी कुछ हमको बताओ, तो ऐसे तो फिर विशाल इतिहास हो जाता है, बताने को बता सकते हैं, है ना। और या ऐसे भी मत सोचना जी बाड़ा क्या है, तो ये कुछ साइट हैं जो आप ही को पढ़नी है, कुछ डेटा आपको पढ़ना है, और जो जहां समझाने लायक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू रवि यदुवंशी जी। अब आएंगे बारी बारी से जो नाम हमने पढ़े, कि वहां से भैया प्रश्न क्या पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। आगे तो यहां से हम कल पढ़ना शुरू करेंगे कि हड़प्पा से लेकर के आपका मोहनजोदड़ो में क्या क्या चर्चित है, जो पुराने छात्र जानते हैं।